यशुरा दोबारा पाछू आउण। लगभग 2000 साल दो संसार दो बादी जगह गए ज्यादा तो ज्यादा माच मसी यशुरा पर शुभ संदेश सुन लो कलेश के अंत कर लो यशु के वादा किया कि सह संसार रे अंत दा पाछू आला बल्कि जहे भी पाछू नहीं आ तबे भी से अपना वादा पूरा करला। जबे कि हमें यशु रे पाछू आने रा इंतजार कर परमेश्वर हम जी रीति द जीवन जीवने द इच्छा करो और जो पवित्र आत्मे और जो तेसरे आदर करो जब ये शुद्धरती गए रो थे तब तेनिये बोलो मेरे चेले संसार भर दे बाकी जगह रे माछ परमेश्वर राज्य रे बारे द शुभ संदेश प्रचार करो ले और तब अंत आ जाओला। बहुत सारी जातिये हे बिताई ये शुरे बारे द नहीं सुनो स्वर्ग खटे होने द पले यश के मसीह दो ते नमाच दो शुभ संदेश सुनाने के बोलो जिन्हें कब नहीं सुनो तेनिये बोलो दे और बादी जाति रे माछ चेला बना और तेनिये ऐसा उदाहरण भी बोला कि कटाई करने री ताई खेचा पाक गोया यश के जो भी बोलो कसी माछ रा सेवक अपने स्वामी दो बड़ा नहीं होता ऐसे संसार रे जरूरी माछ है मुंद नफरत की और मेरे कारण से तुम्हें स्थाय और पूरे जंगल और संसार दे तुम्हें दुखी होले पर मजबूत बनो कहीं कि मो शैतान हराओ पिया जो इस संसार गए राज करो अगर तुम्हें अंत ताई मेरे विश्वास योग्य रहो तो परमेश्वर तुम्हें बचाओला। यश गए अपने चेले ये जो समझाने रही ताई एक कहानी सुनाओ कि जब यह संसार रा अंत होला तो माछ सीताओला तनिये बोलो कौनी माछे अपने खेचा दो अच्छो बीज बो जब ऐसा सूत लगा थे तो तेसरे दुश्मन आयो और गेहूं रे बीज रे जंगली पौधे रो बीज बो पियो और तबे से चला देवा जब पौधे अंकुरित तो है तो सेवक तेस माछ दो बोलो हे स्वामी तो अपने खेचा दो अच्छो बीज बो थियो तबे इन जंगली पौधे कहीं है तेनी माछ जवाब दिता केवल मेरा दुश्मन ही तई बोणया चाहले ए मेरा कुएं दुश्मन जनिए रोकी वो तेना सेवके अपने स्वामी जवाब दिता का हमें जंगली पौधे उखाड़ देना चाहिए तेनी स्वामी ये बोलो नहीं अगर तू मेरो कर ले तो तुम्हें कुछ गेहूँ उखाड़ दे ले कटाई रे समय ताई इंतजार करो तब जंगली पौधे गाड़ दो कोठे करो ताकि तुम्हें ते न फूक सको पर गेहूँ मेरे खेच दे लो चेले जी कहानी रा मतलब नहीं समझा ऐरी ताई तेने यशु दो ते न समझाने रा निवेदन किया यशु या बोलो अच्छा बीज बोने आ माछ मसीरा जिक्र करो खेच संसार रा जिक्र करो अच्छा बीज परमेश्वर रे रा जरा माछ रा जिक्र करो जंगली पौधे तेस दुष्ट जन शैतान रे माछरा जिक्र करो तेस माछरा दुश्मन शैतान रा जिक्र करो जणिया जंगली पौधे बो थे कटाई समय रा अंतरा जिक्र करो और कटाई को न्याय परमेश्वर रे स्वर्गदूत रा जिक्र करो जब संसार रा अंत होला तब स्वर्गदूत तेन बाद माछ एक ही साथ इकट्ठे कर ले जो शैतान रे से स्वर्गदूत तेन एक हद सारी गर्मी आग दे फेंक दिया ते तैसे माछ खतरनाक स्थाव दे रोले और अपने दांत पिछले पर जो माछ दर्मी हो जिन्हें ये शुरा अनुसरण किया हो सहते नर परमेश्वर पितरे राज दे सूर्य रसमान चमकोले ये शुरा जो भी बोलो कि सह संसार रा अंत होने दो पले धरती गए पाछ गौला सह से जत्री के दो पाछ गौला जेरा से डुबा थे मतलब ते से गए असली शरीर होला और से आसमानों दा बादलों का सवार होया होला जब ये छुपा छुका तो हर एक मसीह जो मर चुके हो मरे हों दे मुझे दो उबे भी उनजले और तेसरे आसमानों दे मिलले तब जो मसीह है भी जीवन दे से आसमानों दो उठा नहीं जाओले और ते न दूजे मसीह ऐसी थे शामिल हो जाओले तुम मरे हों दे मुझे दो जीवन दा होले से बात देते थे ये सुसी थे
ଏହିଁ ବାସ୍କେ ୟେସୁ ଆପଣେ ମାଛ ସୀତାର ଅଲା ଯବେ ସେ କି ସାଥିର ତତେ ନାଗେ ହମେଶାରି ତାଇଁ ପୁର ଶାନ୍ତି ଅଲ ୟେସୁ ତେସ୍ ଗା ବିଶ୍ୱାସ କନ୍ୟାଏ ହର ଏକ ଜନ ଏକ ମୁକୁଟ ଦେଣର ୱାଦା କିଆ ସେ ହମେଶାରି ତାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୀତା ହର ଏକ ଜଗାଏ ରାଜ କରଲେ ତେ ନାଗେ ମହାନ ଶାନ୍ତି ଅଲ ପର ପରମେଶ୍ୱରେ ତେ ନବାଦରା ନ୍ୟାୟ କରଲା ଯୁ ୟେସୁ ଗା ବିଶ୍ୱାସ ନି କରଦେ ସେ ତେ ନନର କଦେ ଫେଙ୍କଲା ତେ ତେସେରୁ ଅଲେ ଅର୍ ଆପଣା ଦାନ୍ତ ପି ସଲେ ଅର୍ ସେ ହମେଶାରି ତାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅନ୍ଦେର ଅଲେ କବି ନା ବୁଝଣେ ଆଗ ତେ ନ ଲାଗାତାର ଜଲାଉନ୍ଦର ଅଲ ଅର୍ କିଡ଼େ ତେ ନ ଖାଣେ ଦ କବି ନା ରୁକଲେ ଯବେ ୟେସୁ ପାଛୁ ଗାଅ ତ ସେ ପୁରୀ ରୀତି ଦ ଶତାନ ଅର୍ ତେସର ରାଜ ଖତମ କରିଦେଲା ସେ ଶତାନ ନର୍ କଦେ ଫେଙ୍କଲା ତେ ତା ଶତାନ ହମେଶାରି ତାଇଁ ଜଲଦାର ଅଲା ତେନ ବାଦ ସୀତାଜିନେ ପରମେଶ୍ୱରୀ ବାତ ମାନଣରି ଯାଏ ଶତାନରେ ପାଚକା ଚାଳନେରା ଚୁନାଓ କିଆ ଥା କାହିଁକି ଆଦମର ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅନଜ୍ଞାକାରିତା କିଥେ ଅର୍ ପାପେ ସଂସାର ଦା ଲୟ ଆଏଥେ ପରମେଶ୍ୱର ତେ ଶ୍ରାପ ଦିତା ଅର୍ ତେସ୍ ଖତମ କରନେରା ଫୈସଲା କିଆ ପରକୁଣ ଯଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ ନୟ ଧରତୀର ରଚନା କରଲା ଯୁ ମହାନ ଅଲ ୟେସୁ ଅର୍ ତେସରେ ମାଛ ତେସ୍ ନଈ ଧରତୀ ଗାଏର ଅଲେ ଅର୍ ସେ ହମେଶାରି ତାଇଁ ବାଦିଛି ଜଗାଏ ରାଜ କରଲା ସେ ମାଛରି ଆଖ ଦ ହର ଏକା ସୁପୋଷ ଦେଲା ଏବେ କିଏ ବି ବିମାର ୟା ଦୁଃଖ ନା ଅଲ ସେ ରୁ ଅଲେ ସେ ବିମାର ନି ଅଲେ ୟା ମରଲେନି ଅର୍ ତେ ତେକୁଶ ବି ବୁରୁ ନା ଅଲ ୟେସୁ ଆପଣେ ରାଜ ଜଗାଏ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଅର୍ ଶାନ୍ତି ସୀତା ଆପଣା ରାଜ କରଲା ସେ ହମେଶାରି ତାଇଁ ଆପଣେ ମାଛ ସୀତା ରହଲା ମତ ଚବିଶ ଚଉଦ ଅଠେଇଶ ଅଠର ୟହୁନା ପନ୍ଦର ବିଶ ଷୋହଳ ତେତିଶ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦୋ ଦଶ ମତ ତେର ଚବିଶ ତିଶ ଛତିଶ ବୟାଳିଶ ଏକ ତିସ ମୃକ୍ୟ ଚାର ତେର ପାଞ୍ଚ ଗ୍ୟାର ୟାକୁବ ଏକ ବାର ମତ ବାଇଶ ତେର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବିଶ ଦଶ ଏକିଶ ଏକ ବାଇଶ ଏକଶଦ ଏକ ବାଇବଲର କାହାଣ।